जय फैंस, स्वागत है आप सभी का एक न्यू गवर्नमेंट जॉब अपडेट के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एआर डिफेंस क्लास में। साथियों, कोई भी स्टेट से चाहे किसी भी प्रकार की जॉब अपडेट हो दोस्तों, वह हमारे चैनल के माध्यम से आप तक अपडेट करा दिया जाता है दोस्तों। तो ऐसी एक इम्पॉर्टेंट जॉब अपडेट के बारे में दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि एंड में मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ऐड किया है। जी हाँ फ्रेंड्स, लास्ट में आपको बताऊंगा इस वैकेंसी के बारे में सिलेक्शन प्रोसेस। इस सिलेक्शन प्रोसेस विल बी मोस्ट इन दिस वैकेंसी दोस्तों। ओके दोस्तों, तो लिटरली हम आइए बढ़ते हैं वैकेंसी की ओर। तो ये वैकेंसी दरअसल दोस्तों आपके बिहार स्टेट से निकली है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कि आपके पटना हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज की वैकेंसी रहने वाली है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पर, डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्टर रहने वाली है। तो आइए इसके बारे में हम ए टू जेड इन्फॉर्मेशन बताते हैं। यहाँ पे देख सकते दोस्तों स्टार्टिंग डेट जो रहने वाली है इसकी, स्टार्टिंग डेट दोस्तों 22 दिसंबर 2023 इसकी स्टार्टिंग डेट होने वाली दोस्तों। जो कि फॉर्म अप्लाई हो रहा है तो नो डाउट यहाँ पे आपको जल्दी से अप्लाई कर देना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं लास्ट डेट की साथियों। तो लास्ट डेट जो रहेगी इसकी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 जनवरी 2024 यहाँ पे इसकी लास्ट डेट रखी गई है दोस्तों। ओके, अब बात करें दोस्तों लास्ट फ्यू, तो लास्ट दोस्तों पे स्ट्रीमिंग की यहाँ पे 20 जनवरी, और वहीं पे दोस्तों आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का जो है 27 जनवरी लास्ट डेट इसके लिए रखी गई है दोस्तों। ओके, अब बात करती है एप्लीकेशन फीस के बारे में। नो डाउट दोस्तों, तो लिटरली हम बात करें दोस्तों जनरल ओबीसी वालों के लिए तो यहाँ पे 1500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा उन लोगों को। ओके, और वहीं पे बात करें एससी एसटी पीएस कैंडिडेट वालों के लिए तो उनको जो है वो 750 रुपये फीस पे करना पड़ेगा, नो डाउट। ओके, आगे बढ़ते दोस्तों, आइए दोस्तों जॉब लोकेशन जानने से पहले आप देख सकते हैं दोस्तों एज ड्यूरेशन, जिसमें आपकी मिनिमम जो है दोस्तों 35 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 ईयर्स यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते साथ हो तो आपको एज में लिरिक्स दी जाएगी, नो डाउट आपको। ओके, और जॉब लोकेशन दोस्तों आपको पता ही होगा दोस्तों, पटना बिहार इसका जॉब लोकेशन दिया गया है। ओके, अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की। तो नंबर ऑफ पोस्ट दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 30 पोस्ट टोटल, आपको 30 पोस्ट इसके लिए दी है दोस्तों। ओके, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ओके, इसमें डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ दोस्त, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ओके, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए यहाँ पे जो कि यहाँ पे शो किया दोस्तों, कैंडिडेट हु है बैचलर डिग्री इन लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए लॉ में, ठीक है, विथ आपका मिनिमम 7 ईयर्स का एडवोकेट प्रैक्टिस भी होना चाहिए। ओके दोस्तों, 7 ईयर्स का आपका जो है वो एडवोकेट प्रैक्टिस आपका रहना चाहिए, ठीक है। वहीं पर दोस्तों मिनिमम आपका कम से कम दोस्तों 24 केसेस ईच दिस ईयर, 3 ईयर में आपका होना चाहिए दोस्तों, प्रैक्टिस जिसे कहते हैं। ओके, अब बात करते दोस्तों यहाँ पे हम हाउ टू अप्लाई, तो आपको अप्लाई कैसे करना है दोस्तों यहाँ पे इसके लिए, तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी इसका लिंक दे दिया है दोस्तों, तो वहाँ से आप जाके इसके लिए डायरेक्ट टू अप्लाई आप कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो दोस्तों। ओके, अब मैंने पहले वीडियो में बात किया दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आप देख सकते दोस्तों सबसे पहले जो है वो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको जो है आप रिटर्न एग्ज़ाम में पास आउट हो जाते हैं तब आपको यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लगेगी दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो में कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। और चैनल पे जो नया दोस्तों चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तब तक मिलते हैं एक न्यू जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।